प्राचार्य महोदय, समस्त गुरुजन व प्यारे मेरे देश के बहादुर बच्चों, आज माननीय ओम प्रकाश जी ने मुझे आग्रह किया कि यहाँ पर NSS का कैंप चल रहा है, उसमें बच्चों को आपदा प्रबंधन के बारे में बताया जाए। मैं जब यहाँ आया तो माननीय प्रिंसिपल साहब से निवेदन किया कि हम लोग जो जानकारी देंगे वो हर बच्चे को, हर व्यक्ति को आनी चाहिए। तो सिर्फ NSS के 80-50 बच्चों को ही क्यों वो जानकारी मिले, पूरे विद्यालय परिवार को पूरी जानकारी मिले। मैं ऐसी ऐसी बातें पूछूंगा, बताऊंगा आपको, जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है वो जानकारी। जो चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, उसको ध्यान से सुनिएगा आप। जो बातें बताऊंगा उसी में से कुछ प्रश्न बनाकर मैं आपसे पूछूंगा, जो सही जवाब देगा, अपने हाथ जगह से हाथ खड़ा करेगा जिससे मैं पूछूंगा, वह जवाब देगा, उसको यहाँ पर सम्मानित भी करेंगे हम लोग। सिविल डिफेंस श्रीगंगानगर विभाग की तरफ से आज आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग अग्नि सुरक्षा, भूकंप और स्वास्थ्य से संबंधित CPR सिस्टम, ऐसे 3-4 टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि विटामिन डी भी इधर बच्चियों को ज़्यादा मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको आपके घर में ले चलता हूँ, ठीक है? आपके घर में रसोई है? Yes, माँ आपके लिए 3 टाइम आपके सामने नाश्ता बनाती है, आपके लिए खाना बनाती है, दोपहर का और रात का खाना बनाती है। सबके घर में गैस सिलेंडर है? Yes, किसके घर में नहीं है, हाथ खड़ा करें। क्योंकि जिसके पास नहीं है वहां उज्ज्वला योजना से मिल सकता है फ्री में, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। तो सबके घर में गैस है, गैस की आग पानी से नहीं बुझती, घर के आसपास बालू रेत नहीं होती। सबके घर में बिजली है? Yes, किसके घर में नहीं है? ओके, बिजली की भी आग पानी से नहीं बुझती, घर में बालू रेत नहीं होता, बराबर? Yes, अब आपको एक चीज बताऊं, घर में जैसे गैस चूल्हे पे आपकी मम्मी आपके लिए हलवा वगैरह बना रही है या तेल में पूरियां तल रही है, घी में पूरियां तल रही है, कई बार कढ़ाई के ऊपर जैसे तेल उबल रहा है और उसमें आग लग जाता है, कई बार हो जाता है, तो उस समय क्या करना चाहिए अपने को? बताइए बेटा। हाँ, जो आपने हाथ खड़ा किया, यस, गीला कपड़ा करके उस पर बैठ जाना। क्या शुभ नाम है आपका? कोमल। कोमल, कोमल के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बैठिए बेटा, बात समझ में आई? एक्चुअल में क्या, आग लगने के लिए 3 चीज चाहिए और बुझाने के लिए उन 3 चीजों में से कोई एक चीज हटा देंगे आग बुझ जाएगा। आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अभी अपने बैठे हैं, ऑक्सीजन लिए तभी तो जिंदा है आपने, और ज्वलनशील पदार्थ चाहिए। ये मेरी शर्ट को आग लग सकती है परंतु आग तो नहीं लग रही, क्योंकि उसके लिए उचित तापमान चाहिए। उचित तापमान मतलब 65 डिग्री टेम्परेचर होगा तो अपने आप आग लग जाएगा, बात समझ गए? इन 3 चीज में से कोई एक चीज हटा दिया तो आग बुझ जाएगी। अभी कोमल ने क्या किया, उसके ऊपर गीला कपड़ा करके डाल दिया, उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन कट हो गई और आग बुझ गया, बराबर समझ गए? तो सुनाते इन सब चीज को करने से अपने चीजों पे काबू पा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, जानकारी होनी चाहिए। घरों में कई बार क्या है, गैस लीकेज हो जाता है ध्यान में? गैस से पूरा परिवार झुलस गया, ये कहीं और की घटना नहीं है, गंगानगर की ही घटना है। क्या हुआ कि एक माँ अपने बच्चे के लिए, 1.5 साल का बच्चा था, दूध गर्म करने के लिए उठी, रात को 1:30 बजा था, जैसे गैस सिलेंडर उसने गैस चूल्हे पे आग लगाया और पूरा घर विद इन सेकेंड पूरा घर आग के हवाले हो गया। अगर गैस लीकेज कर रही है तो कोई भी किसी भी तरह से बिजली का बटन ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, बराबर? दूसरा, कोई भी किसी तरह से आग नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि एक सेकंड बहुत होता है, 1 सेकंड में 10 फुट एरिया में तुरंत आग लग जाती है, और कितना बड़ा घर होगा, 200 फुट का,
कितने 20 सेकंड लगे पूरा घर आग लगने के लिए, और पूरे इनके 8 जने थे एक ही परिवार के, जिसमें से 3 को जयपुर ले जाया गया, रस्ते में डेथ हो गई उनकी। तो ये स्थिति किसी के साथ भी नहीं हो, इसलिए अपने को पेरेंट्स को भी बताना है। आज जो जानकारी दे रहा हूँ घर में सब बच्चों को, सब बच्चे जितने भी घर के अंदर मेंबर हैं उनको बताना, आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी परिवार है, जो भी आपके दोस्त मित्र है, तो जो जानकारी आपको दे रहे हैं उनको बताना आप, ताकि आपके बताने से किसी की जिंदगी बच सकती है। इनको अगर ये चीज़ मालूम होता उसकी माँ को, तो वह नहीं, पूरा परिवार झुलसता नहीं किसी तरह से। बात समझ गए? तो इस नाते इन सब चीज़ को अगर अपने ध्यान में रखेंगे, गैस लीकेज है तो कोई भी बिजली का बटन ऑन ऑफ नहीं करना, ठीक है, कोई गैस इस तरह से नहीं जलाना। जिस तरह से ऐसी स्थिति बने तो गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर देनी है, गैस की सप्लाई, और उसके बाद घर से बाहर आ जाए खिड़की दरवाजे खोल के। जब तक गैस पूरा ख़त्म नहीं हो जाए तब तक घर में नहीं रहें, और गैस की सप्लाई बंद, बिजली का बटन ऑन ऑफ नहीं करें। गैस सिलेंडर आपके लिए खाना वगैरह बना रही है, गैस चूल्हे पे है, कढ़ाई में आग लग गया है, या और कई बार खुद के भी कपड़ों में, जैसे सूती कपड़े नहीं पहने होते दूसरे होते हैं, साड़ी का पल्लू, और कहीं भी कई बार आग लग जाती है, ठीक है। किसी को अपने जैसे आग लग गई, तो आग लगने पे खुद को आग लग गई तो क्या करना चाहिए? बताओ आप खड़े हो, और कोई? हाँ बेटा इधर आओ आप, मैंने आपके लिए ये कंबल बिछाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ, करते जाओ करते जाओ। यस, बेटी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक मिनट रुको बेटा, क्या नाम है आपका? भावना। भावना ने आपके सामने ये लोटनी खाई, इससे क्या हुआ, जैसे जो बॉडी का पार्ट इनका जमीन पर लगता गया, ऑक्सीजन कट हो गया, आग बुझ गया। बराबर कंटिन्यू ऐसे करेंगे तो ऑक्सीजन जैसे ही अपने कटेगी तो आग बुझ जाएगी। कोई कंबल की जरूरत नहीं, कोई पानी की जरूरत नहीं, किसी चीज की हेल्प की जरूरत नहीं है। बैठिया है, परंतु जानकारी होनी चाहिए। नहीं जानकारी के अभाव में कोई तो कंबल लेने को दौड़ेगा, जितनी देर करेंगे आग बढ़ जाएगी। एक और चीज, किसी आदमी की आग लगा हुआ है, वह दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, हेलो, बराबर, वो क्योंकि जिसकी आग लगी उसको कुछ नहीं पता, वह दौड़ता हुआ आपकी तरफ आएगा, और जैसे ही दौड़ेगा उसको और ऑक्सीजन मिलेगी, दौड़ने पे हवा लगेगी और वो आग और बढ़ जाएगी, और आप अगर उसके सामने आ गए तो आपको कसके पकड़ लेगा वो। तो ऐसी स्थिति में अपने को आग नहीं लगे, अपने को बचाते हुए उसको कैसे बचाओगे आप? नीचे गिरा। हाँ बच्चे अभी बोला, इधर कौन बोला? यस खड़े हो यार, आ जाइए आप, अपने पार्टनर को भी ले आओ जिसको धक्का देना है आपने। ले आओ ले आओ ले आओ, शक्ति आ जाओ, शक्ति आ जाओ बेटा आ जाओ, कोई 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 दिक्कत नहीं। आपकी आग लगा हुआ है, उधर से दौड़ते आइए आप, आए आग लगी आग लगी आग लगी। टांग अड़ा के नीचे गिराना है, हाथ टच किया आपने को आग लग जाएगी। और जैसे ये बंदा नीचे लेटा, अपने हाथ से नहीं उसको लोटने ही खड़ा नहीं, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता लग रहा, उसको पैरों से अपने मूव अप करवाना है। पैर पे अपने आग लग जाएगी तो अपने बुझा लेंगे, हाथ से किया तो अपने आग लग जाएगी, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है आपको। वो जैसे दौड़ता हुआ है टांग अड़ाई नीचे गिराया, और गिरते ही उसको पैरों से रूल करना है अपने को। ध्यान में आई बात? आपको आपके घर में लेके गए, कुछ चीजों की जानकारी मिली, गैस सिलेंडर है,
गैस सिलेंडर में जर्नली अपने अखबारों में हर 15वें दिन देखते हैं गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, पूरी बिल्डिंग उड़ गई, कितनों जनों का नुकसान होता है, आसपास जितना सामान जल जाता है। पहली चीज़ ये ध्यान कर लीजिए, गैस सिलेंडर की जो उसका ये खोल होता है बहुत मोटा होता है, वह 200 डिग्री टेम्परेचर से पहले ब्लास्ट नहीं होता। 200 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और गैस सिलेंडर अपनी आग से नहीं उसके आग लगती, उसके आसपास जो सामान पड़ा होता है वह जल रहा होता है, उससे उसका टेम्परेचर 200 डिग्री होता है, उसके बाद वो ब्लास्ट होता है। इसलिए कभी भी रसोई घर में या जहाँ गैस सिलेंडर रखा हुआ है उस पर यह ध्यान रखना है अपने को, उसके आसपास कहीं कभी भी गैस सिलेंडर पे आग लग जाती है तो उसके आसपास का जो सामान है वो अपने को हटा देना है, बराबर, गैस की सप्लाई बंद कर देनी है, ठीक है। तो उसके बाद अपने आग को काबू पा सकते हैं। उसके अंदर जो ज्वलनशील पदार्थ है, अपने बोला था तीन चीज़ चाहिए, एक ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और उचित तापमान चाहिए, ठीक है। उसमें से ज्वलनशील पदार्थ हटा दिया तो उसको आग आगे नहीं बढ़ेगी, उसको आग और नहीं मिलेगी तो वह ब्लास्ट नहीं होगा। अपनी वो आग है उससे जो निकल रही है उससे ब्लास्ट नहीं होता कभी भी। और एक और चीज़, कई बार क्या है गैस वो जल रहा होता है तो उसकी रबर की सील जो है वो जल जाती है, जब रबर की सील उसकी जल गई तो किसी भी तरह से अपने प्रयास करेंगे वह आग नहीं बुझ सकती। तो उसके लिए यही है कि गैस सिलेंडर को उठा के बाहर ले जाएं अपने, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसे ऊपर से पूरी ऐसे लंबी सी आग निकल रही होगी, वो अपने इसलिए इतनी खतरनाक नहीं है, साइड से उसको किसी भी तरीके से पकड़ के बाहर ले गए, जब तक उसमें जितनी गैस है वो पूरी नहीं जल जाएगी, वह आग नहीं बुझेगी किसी तरह से, चाहे आप कैसे भी करें, ऊपर से ढक दें या कुछ भी कर दें, नहीं बुझती, क्योंकि उसमें से पूरी अंदर तक समा चुकी है वो आग। तो उस नाते उस चीज़ को जो है अपने बाहर ले जाएंगे तो वह जब तक जल जाएगी पूरी, उसके बाद जो है वो अपने आप बुझ जाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ का ध्यान रखना, गैस सिलेंडर जो है क्योंकि एक तरह का एटम बम है, सब घर में है, सब घर में बिजली भी है, बिजली को आग को पानी फेंक के नहीं बुझा सकते आप, करंट लग जाएगा आपको। तो उसके लिए अपने को ये ऐसा ABC अग्निशमन यंत्र ये अपने घरों में होना चाहिए, इससे विद इन सेकेंड आग बुझती है, विद इन सेकेंड। और ये अग्निशमन यंत्र आप देख रहे हैं, इससे किसी भी तरह की आग, इस पे आप देख रहे हैं ABC, तीन तरह की आग जो होती है वो, एक तो सामान्य आग होती है, एक फोम या क्या पेट्रोल की आग, एक केमिकल की आग, तो तीनों तरह की आग इस ABC अग्निशमन यंत्र से अपने बुझा सकते हैं, ठीक है ना। तो उस नाते ये जो अग्निशमन यंत्र आप देख रहे हैं इस पे एक सुई लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, ये मीटर में सुई जो है अगर लाल निशान पे है तो इसका मतलब नहीं चलेगा, इसमें अंदर जो केमिकल है वो है उसकी एक्सपायर हो चुका है, इसलिए वो असरदार नहीं है, इसलिए अपने को रिफिल करा लेना चाहिए टाइम पर। ये नहीं कि एक बार खरीद लिया और उसके बाद जयराम जी की अपने आप जब आग लगेगी बुझा देगा, नहीं बुझाएगा, ठीक है ना। तो जब अपने इसको यूज करते हैं, पहली बात तो इसको उतारने का तरीका, ये इस पे हुक लगा हुआ है ये यहाँ पे, तो ये ऐसे लगा हुआ है तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके और ऊपर करते हैं तो जल्दी उतर जाएगा, अगर वैसे उतारने का टाइम लग जाएगा, जितनी देर होगी, क्योंकि आग पहले छोटी होती है बाद में बड़ी बनती है, इसलिए जैसे ही आग लगे तो तुरंत इसको ऊपर किया और ये अपने इसको उतार लिया। उतारने के बाद क्या करेंगे अपने, इस पे ये जो सील लगा हुआ है इस सील को तोड़ना है अपने को, ये टूट गया सील एक झटके में, और उसके बाद ये नहीं दब रहा अभी भी क्योंकि इसमें ये पिन लगी हुई है, सील लगा हुआ है, ये सील को बाहर निकाला उसके बावजूद भी नहीं दब रहा। ये प्रिक्योशन इसलिए रखे हुए हैं, कल को कोई छोटा बच्चा, उसको जानकारी नहीं है, वो अननेसेसरी इसका मिसप्रयोग नहीं करे, इसलिए इसके अंदर ये सील बाहर आ गया उसके बावजूद भी नहीं दब रहा, और उसके बाद इसमें से ये गुटका लगाया हुआ है इसको बाहर निकाला, अब ये चलने की स्थिति में है, ठीक है। ये जब चला है उससे पहले अपने इसको एक बार उल्टा कर ले, क्योंकि पाउडर एक बार जम जाता है, काफ़ी देर पड़ी होती है, इसलिए एक बार उल्टा करके उसके बाद जब इसको यूज़ करना है तो इसकी जो पाइप है इसकी गर्दन पे इसको पकड़ना है, अगर यहाँ से पकड़ेंगे इसमें प्रेशर बहुत होता है तो पाइप नाचेगी, तो जो टारगेट है जहाँ से आग निकल रही है उसके बेस के अंदर जो है अपने को इसका टारगेट फोकस करना है। अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे, इसकी यह जो पाइप है इससे उसकी जड़ के अंदर इसको फोकस कर रहा है, तो 10 फुट दूर से इसकी आग बुझाई जा सकती है, ध्यान में ही बात,
कैसे चल सकता है, ध्यान में आ गई बात? कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, पहले चेक करना इसमें मीटर हरे निशान पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसको एक बार पलटी मार लिया जाए, उसके बाद जो है इसमें से ये पिन बाहर निकालनी है आपने। पिन बाहर निकालने के बाद ये जो गुटका अंदर लगा हुआ था उसको बाहर निकालना है, फिर ये चालू हालत में आएगा। ये यहाँ पे गौशाला रोड पे मोची शोरूम है ध्यान में, वहां पर बाहर बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, थोड़ा गिरे। आज से 3 साल पहले वहां पे आग लग गया था बिजली ट्रांसफार्मर पे, लगभग 8:15 का टाइम। उसके जो लैंडलॉर्ड, जो मोची शोरूम के जो कर्मचारी थे, जैसे ही आग लगा बाहर आए, शटर डाउन कर लिया, उसका लैंडलॉर्ड लीला और वो मिलके बाल्टी से पानी डाल रहे। उसके ठीक सामने गुप्ता औषधालय है, वहां वो बच्चा और फादर, वो दोनों देख रहे थे। तो बच्चे ने अपने फादर को बोला कि वो अंकल जो पानी डाल रहे हैं उससे नुकसान हो सकता है, अगर उनके पास ABC अग्निशमन यंत्र हो तो तुरंत आग बुझ सकती है। हमने जैसे आप लोगों को बता रहे ऐसे ही उस बच्चे ने एक स्कूल के अंदर जो है यह हमारा लेक्चर सुना था, कोई प्रैक्टिकल नहीं किया। जैसे आप सारे सुन रहे हो, प्रैक्टिकल तो कुछ लोग ही कर पा रहे हैं ना, तो उसने सुना वो चीज़। तो उसने, वो दोनों बाप बेटा वहाँ गए मोची शोरूम पे, उनने उन कर्मचारियों से पूछा भी आपके पास ABC अग्निशमन यंत्र है क्या? वो कहते है। वो शटर ऊँचा करके लेके आए, वो जैसे लेके आए उनको किसी को चलाना नहीं आया, उन कर्मचारियों को चलाना नहीं आया। उस बच्चे ने चला के और विद इन सेकेंड आग बुझाई, फायर ब्रिगेड आने से पहले उसने आग बुझा दी। तो उसको हमने, जब हमारा फायर डे था तो कलेक्टर साहब से उसको हमने सम्मानित भी कराया उस बच्चे को, 9th क्लास का बच्चा था। तो इसलिए कब कौन आदमी कब किस जगह काम आ सके कुछ नहीं पता इस चीज का। ये नहीं कि सिर्फ इसको आग को बुझाने के लिए बड़े ही काम करेंगे। हम लोग स्कूलों में जाते हैं तो पहली क्लास से बच्चे से भी ये आग बुझवाते हैं। इससे अभी आपको इधर एक जगह पे पानी के अंदर पेट्रोल डाल के उसमें आग लगाएंगे, अभी नहीं तो पेट्रोल की आग लगाएंगे, तो उससे क्या है कि अपने को पता लगेगा कि पेट्रोल की आग पानी से नहीं बुझती, ठीक है ना। तो आपको अभी आपके घर पर लेके गया मैं, अभी आपको मैं आपके आपके पास गाड़ी किस किस के पास में है घरों में, कार, ट्रैक्टर, जीप वगैरह? डीजल या पेट्रोल की आग पानी से नहीं बुझती, आज आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। आप चला बुझा के बता देना आप, बराबर। बाल्टी ले लेके पानी डालना फिर भी नहीं बुझेगी आप, बल्कि फैलेगी। तो स्थिति में आप, फायर ब्रिगेड आएगी और पानी डालेगी, कुछ नहीं होगा। सिटी एरिया में मिट्टी नहीं मिलती, तो सिवाय गाड़ी को लोहा बनते देखने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। एक ही चारा है कि गाड़ी में ये 2 kg का, ये तो 4 kg का है, 2 kg का, दो मतलब इससे आधा वाला छोटा साइज का, जिसमें मीटर लगा होना चाहिए, दूसरा नहीं। तो वह गाड़ी में 100% होना ही चाहिए, और जो गाड़ी चलाता है उसमें बैठे हुए जो बंदे हैं उनको चलाना आना चाहिए, ठीक है ना। कल को एक्सीडेंट हुआ, एक जो चलाने वाला है वो तो बीच में दबा रह गया, दूसरा आदमी है वो उसकी हेल्प करके आग तो बुझा सकेगा। तो इसलिए चलाना सबको आना चाहिए, तो इसलिए आपकी गाड़ी में ये अग्निशमन यंत्र होना ही चाहिए। और कल को गाड़ी में आग लग जाती है तो किसी भी तरह से अपने को उसका प्रिकॉशन अपने को ध्यान में होगा तो अपने सुरक्षा कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो इसलिए जितने भी अभी हाथ खड़े हुए, बसों में किराए तो देते होंगे आप, फ्री में तो नहीं आते ना? आप कल चेक करना आपकी बस में, या जब जाओगे आप, आपकी बस में ये अग्निशमन यंत्र लगा है या नहीं लगा। नहीं लगा तो उस गाड़ी का चलान हो सकता है, सीज हो सकती है गाड़ी, ये होना कंपलसरी है, उसके बगैर गाड़ी रोड पे नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी सुरक्षा उस ड्राइवर के हाथ में है। अगर कल को निकलना के बच्चों को ले जाने वाली बस जो पद्मपुर से बच्चों को लेके आने वाली थी, प्राइवेट स्कूल की बस, मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल का, 28 बच्चे इस बस में चढ़ने थे पदमपुर से, और बस की हालत देख लो आप क्या हो गई, स्कूल की बस है ये। तो इसलिए अग्निशमन यंत्र हर गाड़ी में होना चाहिए जिसमें पेट्रोल डीजल से चलती है, 100%। और ठीक है, इसमें बच्चे अभी चढ़े नहीं थे, गाड़ी का जो ट्यूब है वो लीकेज हुआ और आग लग गई, बच्चे नहीं, बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बच्चे अभी बैठ नहीं पाए थे उस पर, परंतु आग लगी किस तरह से यह गाड़ी की हालत हो गई। आप अखबार अगर पढ़ते होंगे तो हर महीने 2 महीने में आग लग जाती है कोई ना कोई गाड़ी का। एक और गाड़ी का दिखाऊंगा,
ये कहीं और की घटना नहीं है, गंगानगर की घटना है। गंगानगर में जो शिव सर्किल है उसके पास में बंसल नर्सिंग होम है। अग्रसेन नगर से ये व्यक्ति अपने फादर को दिखाने के लिए आया और वहां पे गाड़ी खड़ी की, तो इतनी दूर से आया तो गाड़ी गर्म भी नहीं होगी। वहां गाड़ी खड़ी की, अंदर गया, वो इतने में उसमें आग लग गया। हुआ क्या कि अपने जैसे बाहर लोग बाग आजकल कचरा आग लगा देते हैं, ठीक है ना, आग लगा हुआ है। अपने जब गाड़ी पे आया, अपने को क्या पता वहां आग लग रही है नहीं आग रही। अब पेट्रोल की आग है, वो सुलग गई, गाड़ी जीरो हो गई है। तो इसलिए कहीं भी आसपास, घरों के आसपास आप देखेंगे सड़कों पे कहीं भी कचरा नहीं जलना चाहिए। पॉल्यूशन एक्ट के तहत ये जुर्म है, 6 साल की इसमें 6 महीने की सजा हो सकती है और 50,000 का जुर्माना हो सकता है। कहीं भी किसी तरह से कचरा इधर उधर नहीं जलना चाहिए। ये कचरा जलने की वजह से गाड़ी आग लग गई। चौथे माले पे है, ठीक है, वहां पे गेम जोन भी है, चाट पकौड़ी खाने वाली रेस्टोरेंट भी है, सारा सब चीज है। आज से 4 साल पहले वहां पे आग लग चुकी है। मैं फिर आपको सचेत कर रहा हूँ, सीजीआर मॉल में 2 बार आग लग चुकी है, एक बार 7वें माले पे, एक बार 4थे माले पे। तो कभी भी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स में अगर आप हो, गंगानगर में कई बिल्डिंग बन रही है और खुल चुकी है यहाँ पे सार्वजनिक बिल्डिंग्स, तो कभी भी बड़ी बिल्डिंग्स में हो, जरूरी नहीं गंगानगर, आप बॉम्बे गए या जयपुर गए, कहीं भी आप बड़े जगह पे हैं, वहां पर लिफ्ट भी होती है, कभी भी आग लग जाती है तो तुरंत बिजली बंद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी भी आग लगे तो। और उस समय सीढ़ियों से नीचे उतरने का है, सीढ़ियों से जब उतरेंगे तो उसमें क्रम क्या रहेगा, पहले बुजुर्ग आदमी उतरे, उसके बाद लेडीज बच्चे, उसके बाद जवान लोग। बराबर ध्यान में आई बात, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना। और ये सब बातें अपने पेरेंट्स को या अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको, पड़ोसियों को बताना है ये सब बातें, ठीक है ना। मैं एक हफ्ते बाद फिर दोबारा प्रेयर में आपके पास आऊंगा और आपके एड्रेस लेके आपके अड़ोस पड़ोस में पूछने आऊंगा मैं, किसने किसको कितना बताया। मजाक की बात नहीं है, मैं सैंपल चेक हर बार करता हूँ हर स्कूल का, यूट्यूब वाला वीडियो शेयर करते ना। तो उस स्थिति में अपने इन सब चीज का ध्यान में रखना, आप जब ऊपर से उतरे तो इस क्रम से उतरना चाहिए, बराबर, तो उस स्थिति में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। भुवनेश्वर के बड़े हॉस्पिटल में आग से 30 व्यक्ति की मौत हो गई। आप दूर मत जाइए, गंगानगर के जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें भी बच्चा वार्ड में 2 बार आग लग चुकी है, बर्न यूनिट में भी एक बार आग लग चुकी है। यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में नाम नहीं लूंगा, उनके भी ऑपरेशन थिएटर में जहां मरीज का ऑपरेशन हो रहा है वहां पे भी एसी में स्पार्किंग हुए, आग लग गया था। रख दीजिए, आपके रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट हैं या खुद कहीं भी कोई एडमिट है तो आप वहां जाते हैं तो उसमें देखिए कि अग्निशमन यंत्र लगा है या नहीं लगा, लगा तो क्या चालू हालत में है या नहीं। हम पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, इसलिए हमारा पहला फर्ज बनता है हमें नुकसान नहीं है परंतु दूसरे को होने वाले नुकसान से बचाएं, ठीक है ना। तो उस नाते सजग होंगे अपने तो कोई भी किसी तरह से आपदा से हम लोग काबू पा सकते हैं। आज आपदा प्रशिक्षण का कार्यक्रम है ना, तो ये अग्नि भी एक आपदा है, ये हमारी दोस्त भी है और दुश्मन भी है। दोस्त इसलिए क्योंकि खाना आग के बगैर नहीं पकता, दुश्मन इसलिए क्योंकि नुकसान बहुत हो जाता है, वो हमारी गलतियों की वजह से नुकसान होता है। तो इसलिए उस स्थिति में अपने इन सब चीज पे ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं आती। हॉस्पिटल में जब भी जाए तो उसमें यह अग्निशमन यंत्र देखें और जहां भी लगे हुए हैं तो वो चालू हालत में है या नहीं, ठीक है। आज आपको चला के बताएंगे तो आप कभी भी वहां जाए तो वहां नर्सिंग स्टाफ या किससे पूछना भी, चलाना आता है कि आपको, ध्यान में रखिएगा। एक्वाड में कई बार कहीं एक्सीडेंट में आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो बेहोश हो जाता है तो उस समय वह आदमी जनरली उसको आदमी ये सोचता है भी ये तो मर गया, एक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी नस नहीं चल रही और जो है, तो स्थिति में एक ऐसी विधि है जो CPR बोलते हैं उसको, कृत्रिम श्वास द्वारा दूसरे की जिंदगी बचा सकते हैं हम। उसके लिए इस तरह के ये हाथ हाथ बनाओ आप, ये इस तरह से हाथ बनाओ अपनी हथेली के ऊपर, ये हाथ बनाया आपने, ठीक है, एक बार एक जना ऊपर आ जाता, ये इस तरह से अपने बेहोश आदमी है, ठीक है,
तो मैं इसलिए इसको ऊपर कर रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, परंतु यह तरीका गलत है। इसको तरीका मैं इसको नीचे CPR दूंगा, क्योंकि सही सिस्टम वही रहेगा। उसको अपने चेक करते हैं तो इसका ये नर्व्स नहीं चल रही होती, ठीक है। फिर ये धड़कन देख रहे हैं तो नहीं चल रही, सारा परिवार रोने लग जाता, ओ बाप लो मर गयो रे, क्या करे क्या करे, होता है ना ऐसा। परंतु ये एक यहाँ हाथ लगाइए आप, चल रही है नाड़ी, तो इसका मतलब आदमी में अभी जिंदगी है, वह 10 मिनट तक दिमाग उसका चल रहा है। हाथ लगाइए आप इधर, है ना। तो उस नाते यहाँ जब हाथ लगाएंगे बंदे की उसकी नब चल रही है, तो उस स्थिति में इसके जूते खोल देंगे, इसके आसपास जो कोई भीड़ लगी हो उसको हटा देंगे। उसके बाद इसको CPR देने का तरीका क्या है, ये जो छाती है अपने, ये जो फेफड़े है, फेफड़े, ठीक है, ये फेफड़े के सेंटर में जहाँ पर इसको दबाएंगे अपने 30-2 की रेशो में, 30 बार दबाने और 2 बार मुंह से ऐसे अपना रुमाल लगा के मुंह खोल के सांस देना अपने, बराबर 30 बार दबाना है। अब दबाने का तरीका ये, मैं खड़ा हूं, गलत है ये, एक बार नीचे जा भाई। अपने को ये घुटनों के बल ऐसे बैठने का है, खड़े ऐसे खड़े होने का है, ताकि ये मेरी रीढ़ की हड्डी ये बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अगर मैं ऐसे करके CPR दूंगा तो दबाव नहीं आएगा, इसके लिए ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉडी होनी चाहिए और इस तरह से ये हाथ पूरा ऐसे दबना चाहिए, ये ऐसे पूरा इसमें जब तक प्रेशर नहीं जाएगा, मतलब 1 इंच नीचे छाती दबनी चाहिए, 1 इंच नीचे दबनी चाहिए। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 ऐसे 30 बार दबाना और ये रुमाल लगा के और मुंह खोल के 2 बार सांस लेना, फिर 30 बार दबाना। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता या डॉक्टर के पास मरीज को नहीं ले जाते एम्बुलेंस में, तब तक लगातार इसको दबाते रहना है, ध्यान रही बात। तो उस नाते बंदे की जिंदगी बचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं, अखबारों में बहुत बार पढ़ते होंगे आप कि आदमी की CPR देने से जिंदगी बच गई। कलाकार है माइकल जैक्सन, नाम सुना होगा आपने, बहुत तेज आवाज है भाई। उसके पास 6-6 डॉक्टर्स की टीम रहती थी साथ में, वो चाहता था मैं 150 साल तक जीऊं, परंतु उसकी भी हार्ट अटैक आने से CPR दी गई, परंतु गलत तरीके से दी गई। उसको सोफे पे लिटा के फिर CPR दी गई, CPR सोफे पे लटाया, वो दबेगा, उसके पूरा प्रेशर नहीं गया, इसलिए डेथ हो गई। भास्कर अखबार पढ़ते हैं आप, उसका मालिक रमेश चंद्र अग्रवाल दिल्ली एयरपोर्ट पे आए, उनका हार्ट अटैक हुआ, उनको प्रॉपर टाइम पे CPR देने वाला कोई नहीं मिला और डेथ हो गई। तो इसलिए आप दूसरे की जिंदगी बचा सकते हैं अगर आपको ज्ञान होगा तो, ध्यान में आई बात। तो CPR देने का तरीका बताया मैंने आपको, अगर छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो उसको CPR इस तरह से नहीं दी जाती, उसको 2 उंगलियों से दबाएंगे अपने, क्योंकि ऐसे दबाया तो उसकी ये फ्रैक्चर हड्डियाँ टूट जाएंगी उसकी, बराबर। तो इसलिए 2 उंगलियों से उसकी छाती को दबाएंगे, ये पूरा प्रेशर नहीं देंगे इसको, ये पूरा प्रेशर, इसका तरीका यही है, ये उंगली और ये इससे, ये जो हिस्सा है इससे दबाव देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने ये एक्सरसाइज करेंगे, ये देंगे तो अपने दूसरे की ज़िंदगी बचा सकते हैं, ध्यान में ही बात। अब आपको ले चलता हूँ, आप ये सोचो कि अपने एरिया में भूकंप भी आते रहते हैं, आते हैं ना भूकंप, आते हैं भूकंप, कई बार देखते हैं पंखा हिलने लग जाता है, कोई पंखा चल भी नहीं रहा फिर भी हिल क्यों रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। ये जैसे मेज है, घर में मेजें वगैरह मिल जाती हैं, उसके नीचे छुप जाएं आप, बुझाओ बुझाओ। इसमें घुस गए कुछ भी, चलो मेज भी नहीं है, तो ये दीवार का जो कोना है या जो कमरा है उसकी कोना है, वहां पर लेंटर है, तो जब बिल्डिंग टूटेगी या क्रैश होगी तो जो किनारा है वो फिर भी सेफ है। तो उस स्थिति में अपने को क्या करना, जब अपने वहां बैठ रहे करिए आप, तो इस तरह से अपने जो सिर है, सिर को अपनी गोद में ले लें और उसके ऊपर हाथ रख लें, बराबर। तो ये एक सिस्टम है जिससे अपने बचाव कर सकते हैं। यस, तो क्या करेंगे, अपने ऐसे अपने सिर को गोद में ले लिया,
गोद में लेके सिर पे हाथ रखना है, सिर को झुका लेना अंदर गोद में, ताकि अपना सिर बच गया तो डॉक्टर आपको बचा लेगा, अगर सिर का ये खुल गया आपका तो कोई नहीं बचा सकता, बराबर। तो इसलिए भूकंप आए तो कोई भी अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो तुरंत गाड़ी से उतर के खुले मैदान में चले जाइए, पेड़ वगैरह पास में है तो उससे दूर चले जाएं, ताकि ये जो बिजली के खंभे हैं इन सब चीज़ से दूर चले जाएं। अभी बिजली गिरने की भी बहुत सी घटनाएं होती रही हैं, जयपुर में कितने लोग सेल्फी बनाते, कितने लोग मर गए थे। तो इसलिए ऐसी बिजली का मामला हो तो बिजली के खंभे से दूर रहें, पेड़ों से दूर रहें, लोहे वाली कोई चीज़ से दूर रहें, बराबर। तो इन सब चीज़ का मोबाइल का इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो डायरेक्ट अट्रैक्ट करती है उस चीज़ को, बिजली की जो है। जब ये बरसात का मौसम होता है, बिजली कड़कड़ा रही है, तो ये खेल मत समझिए आप। बहुत से लोगों की अखबारों में पढ़ेंगे आप, जाने जाती हैं, खेतों में जो रहते हैं, गाँव में रहते हैं, ये वहाँ हादसे होते रहते हैं अक्सर, क्योंकि वो पानी देने गए हैं, बिजली खेत में है और पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी क्रैश हो गया। तो इसलिए इन सब चीज़ का बचाव करना चाहिए अपने आप को। ध्यान में आएगी बात? तो हमने ये कुछ चीज़ों पे बातचीत की आपसे, जो कि बहुत ज़रूरी थी, महत्वपूर्ण थी। से उतर रहा था, इसका हाथ टूट गया, अब डॉक्टर के पास ले जाना है, कोई अपने पास पट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करने का? इसका हाथ टूट गया, कुछ नहीं करना, अब ये डॉक्टर साहब के पास जा रहा है आराम से, कहीं इसका हाथ आगे फ्रैक्चर हड्डी टूटने का बढ़ेगा नहीं। ध्यान में आई बात? कोई मैंने पट्टी नहीं बांधी, कोई कुछ नहीं था ही नहीं, तो क्या करें अपने? परंतु शर्ट तो पहनी होती है ना, अपने शर्ट पहनी होती है, तो उसको इस तरह से मूव अप करके अपने हाथ का जो फ्रैक्चर है उसको बचा सकते हैं। ध्यान में आई बात? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जानकारी के अभाव में अपने दूसरे की, अगर जानकारी हो तो दूसरे की मदद करने के लिए अपने प्रस्तुत कर सकते हैं, अच्छे एक नागरिक बन के, ठीक है ना। तो आज ये राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का ये आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी थी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अभी आग लगा के और सारा प्रैक्टिकल भी बताएंगे। अब गए थे ना अपने? यस सर। अभी सीजीआर मॉल में बैठे हुए हैं, बराबर। उसके चौथे माले पे आग लग गई है, कुछ लोग चाट पकौड़ी खा रहे हैं, कुछ वहाँ पे गेम जोन है, वहाँ भूत बंगला वाला वो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, और इतने में आग लग गई। तो क्या करेंगे अपने? जिसको आता है हाथ खड़ा करेंगे, बोलेगा कोई नहीं। हाँ बेटा वो बोलो आप, यस आ जाए, आगे आ जाओ आप, आ जाओ बेटा। पहले पेड़ियों से बुजुर्ग को उतरने देंगे, फिर जो बच्चे हैं उनको, फिर जो जवान लोग हैं। लिफ्ट भी है वहाँ भी तो जा सकते। ओके, आप क्या बोलेंगे? यही है। क्या नाम है आपका और आपका? दोनों के लिए तालियां बजा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। एक कभी भी छत के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिल्डिंग की छत पे नहीं जाना चाहिए जब आग लग जाए तो, क्योंकि आग ही लपटे ऊपर की तरफ उठती है। ध्यान में ही बात, ताकि माफ, आप ये मत समझना कि हमारे कोई दिक्कत पेशी हो गई, क्योंकि मैं सबको बात बात बता रहा हूँ बराबर, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये सबको चाहिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। इसीलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी, सब टीचर्स को भी यहाँ बुलाइए आप, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं, अपने आप जब भी क्लास लेंगे तो ये चीज़ सैंपल चेक कर सकते हैं आपके माध्यम से, आप हमारे तरफ से एक सैंपल चेक करने के लिए एक अथॉरिटी रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, मैं आपको जितने भी बच्चे बैठे हैं या सब टीचर्स हैं, सबको एक फॉर्चून गाड़ी देता हूँ। कौन सी गाड़ी? फॉर्चूनर। गाड़ी में पूरे फैमिली बैठी हुई है आपकी, बैठे हुए हैं, चलाते हुए आ रहे हैं अपने गांव से, और एकदम गोल बाजार जो गांधी चौक है वहां के रुक गए, ठीक है। जैसे ही रुके उसमें गाड़ी में आग लग गया, तो क्या करेंगे? एक मिनट, बोलेंगे ना बेटा कोई भी? हाँ गुड़िया, यस, इधर आ जाओ पहले आप, फैमिली को बाहर निकालेंगे। आपके पास गाड़ी है? नहीं, चलो फॉर्च्यून गाड़ी में, हम आनंद आया आपका। क्या नाम है आपका? आंचल ने सही जवाब दिया, जोरदार तालियां बजा दी। दूसरा, गाड़ी को पहले साइड में लगाएंगे, सड़क के बीचों बीच नहीं, साइड में लगा के फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे। क्या बोल रहा हूँ? पूरियां बना रही है,
और वो कढ़ाई के अंदर आग लग गई और उनके खुद के भी आग लग गया। क्या बोल रहा हूँ, आपकी मम्मी आपके लिए पूरियां बना रही है, या मम्मी ने तो कोई भी एक्सरसाइज, ठीक है, वह पूरी पे अपने कढ़ाई में आग लग गया और खुद के भी आग लग गया, तो क्या करेंगे? एक मिनट, बोलेगा नहीं कोई, सर टीचर से पूछ लूँगी, सर पार्सल दे दी मैं, सर आप बताइए, आप बिल्कुल पास में बैठे हुए थे, सारा बता रहे थे, बताइए आप। अच्छा ऐसा भी है क्या ये? यस आप बताइए आप। नहीं नहीं ये आप बताइए, फिर बच्चे क्या बताएंगे अगर ऐसे पास ऑन करेंगे तो? नहीं नहीं इनसे नहीं पूछूंगा मैं, ये देख चुके हैं हमारा एक्सरसाइज सारा। बताएंगे पीछे से कोई टीचर बताएंगे? मदर के ऊपर कोई जैसे मदर के पास आप नहीं गए, आग लगी शर्म करेंगे क्या आपने? ओके वेल डन। और उसके बाद सर क्या करेंगे? कढ़ाई में भी आग लगी हुई है, एक मिनट प्लीज, सर शुभ नाम क्या आपका? कृष्ण भुवाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं डबल से, टीचर्स की तरफ से तालियां नहीं आई भाई, उधर साथ से ऐसे बांध के बैठे हुए हैं, मैं सबकी तरफ देख रहा हूं। क्या चीज? नहीं नहीं सिलेंडर बंद का कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, कढ़ाई में जो तेल उसका नीचे की आग से कुछ। आपके पापा घर से बाहर है बराबर, और आप लोग घर के अंदर हैं, रात को 8 बजे का टाइम है बराबर, और घर में गैस लीकेज की स्मेल, आप जैसे घर के बाहर आपके पापा आए हैं, अंदर से दरवाजा बंद है सारा, ठीक है, उनको गैस की स्मेल आ रही है, तो आपके पापा क्या करेंगे वो बताओ आप। बिजली का बटन तो ऑन ऑफ करना ही नहीं बेटा, बटन नहीं ला, उसको तो टच करना ही नहीं है किसी तरह से, बिल्कुल हाँ यस, खड़े हो जाइए आप बिल्कुल लास्ट में, यस आ जाओ इधर आओ। देखो आपके पापा क्या करेंगे वो मैं पूछ रहा हूँ, आप अंदर क्या करेंगे वो बाद की चीज है, पहले आपके पापा क्या करेंगे? आपके पापा गेट से बाहर हैं बेटा, गेट से बाहर हैं, ऑन रोड हैं, घर से बाहर हैं, अंदर से दरवाजे।